किड्स आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे ये वाला अंतरविद्यालयीय खेल प्रतियोगिता दौड़। अब देखो किसी स्कूल में क्या हो रहे हैं, खेल हो रहे हैं, तो उसमें एक दौड़ का एक कार्यक्रम होता है। जैसे हम जो रनिंग करते हैं ना, तो रनिंग का एक प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। 100 मीटर की वो दौड़ हो रही है, अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है, वह उससे लगभग 6 मीटर दूर है। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, एक देखो यहाँ पर ये फ्लैग दिख रहा है आपको, इस फ्लैग से जो दूर है 6 मीटर का यहाँ पर एक बना रखा है ये डिस्टेंस, तो 6 मीटर डिस्टेंस कौन है यहाँ पे, अरुंधति, वह उसे लगभग 6 मीटर दूर है, उससे पीछे रेहाना है। अब देखो ये जो दूसरी बच्ची है ये है रेहाना, ये अरुंधति है, ये रेहाना है। कोंकणा और उमा रेहाना के पीछे दौड़ रही हैं। अब देखो दो बच्ची यहाँ पर ये और दौड़ रही हैं, ये है कोंकणा और उमा। चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इन दूरियों में से चुनाव करो। अब देखो आपको आपको क्या करना है, आपको गैस करना है ये जो चार डिस्टेंसेज यहाँ पर दी हुई हैं, 3 मीटर की, 6 मीटर की, 10 मीटर की और 15 मीटर की, इसके बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं कुछ। देखिए वो बोल रहे हैं कि रेहाना अरुंधति से कितनी दूर है, रेहाना ये देखिए, रेहाना जो है ये अरुंधति, ये जो बच्ची है इसे कितनी दूर है लगभग, देखो इनमें से 6 मीटर की डिस्टेंस इस फ्लैग से लेकर इस बच्चे तक है, तो इससे इस रेहाना से लेकर अरुंधति ये जो दो बच्चे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी इनमें से। देखो 6 तो हो नहीं सकती क्योंकि 6 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो 6 से कम ही होगी, तो वो कितना है आंसर इसका, 3 मीटर। ओके अब देखो कोंकणा और उमा से रेहाना कितने आगे है, ये है देखो कोंकणा और उमा, इससे रेहाना कितने आगे है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6, तो इससे इन दोनों बच्चों से लेके और रेहाना की डिस्टेंस कितनी होगी, ये देखो गेस करना है हमको। यहाँ से यहाँ तक 6 थी, तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा लग रही है या कम, उतनी ही लग रही है या उससे कम लग रही है, अगर उतनी ही लग रही है तो कितना होना चाहिए इसको, 6 मीटर। ओके कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितना दूर हैं। अब देखो वो ये बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो ये दोनों बच्चे हैं कोंकणा और उमा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 6, और यहाँ से यहाँ तक की भी थी 6, 12, और इन दोनों के बीच की कितनी थी, 3, तो 6 + 6 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया ना। देखो इससे और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 3, और यहाँ से और रेहाना तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर, ये भी है 6 मीटर, तो 6 और 3 9, और 9 और 6 15 मीटर। ओके अब देखो, क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है, क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर बराबर आधा किलोमीटर होता है। 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, तो 1500 मीटर्स के लिए कितने होंगे, 1 किलोमीटर और आधा, और तो कितना हो गया ये, 1.5, या हम लिख सकते हैं इसको 1.5 किलोमीटर्स भी हम इसको लिख सकते हैं, 1 और आधा। और 3000 मीटर की दौड़ के लिए कितना किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, अब देखो 1 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं 1000, तो 3000 मीटर में कितने होंगे, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 3000 मीटर में 3 किलोमीटर, सिंपल सा है। ओके अब देखो, क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना होता है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। अब देखो जो आपकी मैराथन है वो है 40 किलोमीटर की, 40 किलोमीटर का मतलब हो गया आपका कितना, 40 और 1000, अगर हम मीटर्स में लिखें तो 40,000 मीटर्स की होती है हमारी एक मैराथन दौड़। अब देखो स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर कितने किलोमीटर होगा, अब देखो क्योंकि स्टेडियम में 400 ही मीटर की मीटर का रास्ता है, तो 10 चक्कर बोल रहे हैं, 10 चक्कर का मतलब है कि 400 × 10, तो कितना हो गया, 10 × 0, 10 × 0, 10 × 4 = 40, 4000 मीटर्स। अब देखो 4000 मीटर्स को हम किलोमीटर्स में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, 4 = 4000 मीटर्स। ठीक है, इसीलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो तो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, अब देखो स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको बताओ जरा, 10 चक्कर बराबर 4 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर बराबर कितने चक्कर होंगे, देखो 4 किलोमीटर में 4 किलोमीटर तो यहाँ पर है, अब वो बोल रहे हैं कि 40 किलोमीटर के लिए हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, देखो 4 का 40 से क्या रिलेशन है, 4 का रिलेशन है 4 दशांकी 40, तो 10 दशांकी 100, मतलब आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 100, क्योंकि 4 दशांकी 40 होता है, तो 10 दशांकी 100, 100 चक्कर हमको
लगाने पड़ेंगे उस मैराथन को पूरी करने के लिए, अगर हमको स्टेडियम में ही वो मैराथन करवानी है तो। ऑलराइट,